राम राम दोस्तों। तेन गाइस आपको क्या करेंगे, सिंपल सा लाइट रूम के अंदर चले जाना है। आने के बाद तेन गाइस क्या करेंगे, हम जो लाइट रूम का पेयर सेट है हम उसको कॉपी करेंगे अपने अपने पहले से ही बना कर रखा हूँ, आपको नीचे हम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तेन गाइस हम चलिए अपना पेयर सेट है उसको कॉपी करते हैं, तो आपको नीचे हम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर कर लेंगे। दिन गाइस हम ओपन करने के बाद दिन गाइस 3 डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देन फ्रेंड हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी आने करने के बाद बैक आएंगे, उसके बाद 3 डॉट पर जाएंगे, उसके बाद पेस्ट सेटिंग कर देंगे। तो दिन गाइस हो जाने के बाद आपको एडिट वाला आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लाइट पर क्लिक करेंगे। देन गाइस आपको अपने हिसाब से हम कर लेते हैं, हेडलाइट को थोड़ा बढ़ाएंगे, उसके बाद कलर पर जाएंगे, थोड़ा सा अपना चेक कर लेंगे, फेस को इंक्रीज कर लेते हैं जो देखने में फोटो का क्वालिटी अच्छा लगे। तो देन गाइस हम इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से, तो अभी कर लेना। उसके बाद देन गाइस सबको इफेक्ट वाला पर जाना है। एक इफेक्ट पर जाने के बाद देन गाइस सबको क्या करेंगे, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा देंगे। दिन फ्रेंड हो जाने के बाद शेयर वाला आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके हम शेयर कर देंगे PicsArt के अंदर। तो दिन गाइस PicsArt के अंदर ओपन होने के बाद क्या करेंगे, इफेक्ट वाला आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दिन गाइस HDR1 पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डन कर देंगे। फोटो का क्वालिटी तो देन गाइस सबको इफेक्ट वाला फैन जाएंगे। तो देन गाइस हम आर्थिक स्थित पर जाएंगे, तो देन गाइस हम इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट वन क्लिक करेंगे, तो देन गाइस हो जाने के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 कर देंगे, उसके बाद इंक्रेज करेंगे। ऊपर आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देन गाइस हमको अपने जो कपड़ा का क्वालिटी है उस पर चढ़ा लेंगे, जो देखने में है कपड़ा का क्वालिटी अच्छा लगे, तो अभी कर लेंगे ना। तो देन गाइस हो जाने के बाद आपको डन कर देना, फिर से इफेक्ट पर जाएंगे, फिर से उसी को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे अपने हिसाब से, हम रख लेते हैं तो पूरा 0 रखने के बाद फिर से वही काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तनी अलग करेंगे, देखिए गाइस, तो आपको बैकग्राउंड कर देना है। बैकग्राउंड करने के बाद पूरा सारा चेहरे पर का इफेक्ट हट जाएगा। उसके बाद कर देंगे इसको गैलरी के अंदर सेव, तो हम सेव कर लेते हैं, आप भी सेव कर लेना। तो सेव होने के बाद देंगे सबको क्या करेंगे, बाइक आएंगे। बाइक आने के बाद आपको सेंट वाल पर क्लिक करेंगे, तो सेंट वाल पर क्लिक करके हमको रिमनी में जाना है। तो रिमनी को ओपन कर लेते हैं, जो फोटो का क्वालिटी है और अच्छा लगे, 4K इनक्रेज पर क्लिक कर देंगे। देन गाइस हो जाने, देखिए गाइस आफ्टर बिफोर देखिए गाइस कितना स्मूथ हो गया। तो आप भी रिमनी का कमाल देखिए फ्रेंड, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आफ्टर बिफोर, तो देन गाइस हमको इसको डाउनलोड कर लेंगे, सेव कर लेते हैं अपने गैलरी के अंदर, आप भी सेव कर लेना। तो देन गाइस हो जाने के बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद देन गाइस हमको क्या ओपन करना है, स्केच बुक ओपन करने के बाद अपना फोटो है जो इम्पोर्टेड कर लेंगे, इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद रिमन के अंदर जाएंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करके इसको ले आ लेंगे। तीन गाइस आ जाने के बाद आपको क्या करेंगे, कंट्रोल वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए गाइस ये वाला सिंपल सा दिख रहा है आइकन, आप उस पर क्लिक करके अपना हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको इतना पॉइंट रखेंगे तो फेस का जो इंक्रीज है वो बढ़िया से होगा। तो देन गाइस देखिए कितना स्मूथ हो रहा है, आप भी कर लेना इतना सेटिंग, उसके बाद कर लेते हैं देन गाइस फटाफट, तो अभी फटाफट कर लेना।
तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे फटाफट करने के लिए। देखेंगे इस फटाफट हम कर लेते हैं। तब अब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए गाइस कितना स्मूथ हो रहा है, जल्दी जल्दी हम फटाफट कर लेते हैं, वो वीडियो लंबा चला जाता। तो देन गाइस देखिए हो जाने के बाद कितना स्मूथली दिखाई दे रहा है। तो देन गाइस अब इसे भी बना सकते हैं। तो फिर से देन गाइस हमको क्या करेंगे, अपना हेयर है उसको थोड़ा बनाएंगे। आप सेटिंग देख लेना, इतना पॉइंट रखना देन गाइस, 13.5 रखना है, इसको 27, इसको 24। उसके बाद अपने हेयर पर मारेंगे देन गाइस, जिस तरफ हेयर है उसी तरह मारना है, उल्टा पुल्टा मत मार देना। तो देन गाइस हम फटाफट मार लेते हैं अपने हेयर स्टाइल पे, जो देखने का फोटो है थोड़ा अच्छा। देन गाइस हो जाने के बाद आपको क्या करेंगे, वो पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने दूसरा कंट्रोल वाला ए वाला दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसका सेटिंग कर देना है। तो 1.1 रख लेते हैं। रखने के बाद आपको कलर वाला पर जाना है, इसको ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद अपने हेयर पर चलाना है, जो हेयर देखे वो ओरिजिनल लगे। देन गाइस ये वाला आपको कोई बाई चांस बनाया होगा, बताया होगा, तो हम देन गाइस हम फटाफटा कर लेते हैं हलवा लो। आपको सेटिंग रख लेना है उतना। देन गाइस देखिए हो जाने के बाद गाइस फिर से कलर वाले पे जाएंगे। कलर वाले पे जाने के बाद वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद इसका सेटिंग रखेंगे 0.6। रखने के बाद देन गाइस हम इस पर चलाएंगे, जो हेयर का है जो दिखने में अच्छा लगे, ओरिजिनल लगे। तो देन गाइस हम फटाफट कर लेते हैं, अभी कर लेना है। देखिए इसको बोलते हैं स्केच उसका कमा। देन गाइस हो जाने के देन गाइस हो जाने के बाद फिर से क्या करेंगे, प्लस वाला दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्लेंडिंग वाले पर क्लिक करके इसको सोर्फी लाइट कर देंगे। लाइट करने के बाद देन गाइस इसको क्या करेंगे, पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है, इसको कलर को हम अब जो भी लिपस्टिक मारना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। तो देन गाइस हमको ये वाला चाहिए, तो इस पर देख लीजिए। देन गाइस आपको सेटिंग कर लेना है 6.22। रखने के बाद देन गाइस अपने वोट पर हल्का हल्का सा चलाना है, ध्यान में रहे दोस्तों, आपको बढ़िया से लगाना है तो देखने में फोटो है जो अच्छा लगे। तीन गाइस हो जाने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर टाइप करके इसका सेटिंग रख लेना है थोड़ा। तो तीन गाइस हो जाने के बाद देखिए गाइस कितना स्मूथली अच्छा लग रहा है, इसको सेव कर लेंगे अपने गैलरी के अंदर। देन गाइस हो जाने के बाद लाइट रूम के अंदर आना है, डिटेल वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, लाइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो फोटो को क्वालिटी है इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो हेडलाइट सिचुएशन का थोड़ा इंक्रीज करेंगे। वाइट्स को क्लिक करेंगे,
सब माइनस रखेंगे, उसके बाद कलर बजाएंगे। मिक्सिंग बजाने के बाद देन गाइस आपको सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करना है, जो देखने का ओट है वो बढ़िया लगे लिपस्टिक। तो देन गाइस हो जाने के बाद अपने फेस को देखिए गाइस, जितना भी गोरा रखना चाहते हैं उतना भी रख सकते हैं, ये वाला फेसी का है। तो ये दिखाई दे रहा है ना, ये फेस वाला है। तो देन गाइस आप जितना भी गोरा रखना चाहते हैं उतना भी रख सकते हैं, हाई क्वालिटी अच्छी थी, इससे कोई मतलब नहीं है, ये बैकग्राउंड पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देन गाइस इफेक्ट वाले पे आएंगे और इसको क्वालिटी है जो बढ़ा देंगे, जो देखने का है जो क्वालिटी अच्छा लगे फेस को। तो देन गाइस इसको क्वालिटी हो जाने के बाद देन गाइस देखिए कितना स्मूथ HD हाई क्वालिटी। तो आप भी ऐसा बना सकते हैं। तो गाइस चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले